के मुखिया सरपंच कोई नहीं आता है इतने, कोई नहीं देखे के लिए। पानी के समस्या कितना रही यार? हमरा आर के या सब दिन गजने काटे छी, कहियो ने सुख से चले छी, बारहो मास दुखे काटे छी सुख से कमो। नदी वाला पानी चलाता है तो भी बारहो मास मने गजने गजने हमको, बरसा रहता सुखल रहता तैयो वाला था। ग्रामीणों का कहना था इसको नया बनवाना पड़ेगा जी, और जो पीसीसी वाला होता है पक्की नाला जी वो बनेगा तब सक्सेस करेगा, क्योंकि ये एक नाली यही है चालू अवस्था में, नहीं तो सरकार का जो योजना है नाली वाला जी तो सारा जगह ऐसे ही बना दिया गया है, जो मिस यूज है, यूज नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द VG 24 न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हैं बिहार के सहरसा जिला में, महसी नहरवार पंचायत में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ की स्थिति देखिए कितना ये स्थिति है। रोड है नीचे में, ऐसा नहीं है पीसीसी ढलाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे कीचड़ की जो स्थिति देखिए, कीचड़ कितना है। महिला सब है, महिला सब आ रही है, और देखिए ये बच्चा सब भी आ रहे हैं, कितना कीचड़ में ये लोग जो है इससे परेशानी से जूझ रहे हैं। इन्हीं लोग से जानेंगे कितना परेशानी होता है अगर बारिश, अभी थोड़ी बारिश हुई तो इतना पानी है, इतना कीचड़ है, यही अगर ज्यादा अगर बारिश होने के बाद यहाँ पे क्या स्थिति रहता है, हम इन्हीं लोग से जानेंगे क्या पूरा परेशानी है। अच्छा मैडम जी सब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पे जो परेशानी है जो है, यहाँ पे पूरा बस्ती देखा है, यहाँ से वहां तक में हमको लगता है यहाँ पे काफी बारिश होने के बाद काफी जल जमाव की समस्या रहती है। लेकिन यहाँ पे नाला है, इस साइड दिखाइए, ये नाला देखिए रोड से 1 फीट ऊंचा है ये नाली, और जब से नाली बनी है तब से कभी सफाई नहीं हुआ है, और नाली टूट गए हैं, जर्जर हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक जो है इसका नहीं सफाई हुआ है और न ही एक बार भी इसका जो है रिपेयरिंग हुआ है। अच्छा यहाँ जो है हम इन्हीं यहाँ के वासी हैं, सबसे जानते हैं कि क्या स्थिति यहाँ जब बारिश होती है, यहाँ पे जल जमाव की जो समस्या रहती है, कितनी परेशानी होता है, कितना आप लोग को परेशानी होती है? बहुत सर जी परेशानी, 20 साल से परेशानी है, 20 साल से परेशानी इस रोड में। अच्छा यहाँ पे जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य, ये लोग काम करते हैं? ये काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते हैं, कभी नहीं, कुछ नहीं सर काम करते हैं। अच्छा जिताए तो वादा तो करके गए हो? वादा सर बड़ा बड़ा करते हैं मगर कोई काम नहीं करता है। तो वादा मतलब ये होगा झूठा हो गया ना, वादा करके भाग गए जी, भाग जाते हैं। कभी देखने आते हैं मुखिया जी सब? नहीं नहीं आते, नहीं आते, कभी नहीं, कभी सर नहीं आता। नहीं क्या बोले, क्या बोले, बोले अभी जो मुखिया आप लोग को जो वादा करके गया था कि हम नल जल जो भी समस्या यहाँ की जो है, इस वार्ड की समस्या, इस पंचायत की समस्या है, तो वो सही कर देंगे, लेकिन आप लोग को नहीं आता है इतो, कतनो पगली मर जाता है, कोई घूर के मुखिया सरपंच कोई नहीं आता है इतो, कोई नहीं देखे के लिए। जो पानी के समस्या कितना रही यार? हमरा आर के या सब दिन गजने काटे छी, कहियो ने सुख से चले छी, बारहो मास दुखे काटे छी सुख से कमो। नदी वाला पानी चलाता है तो भी बारहो मास मने गजने गजने हमको, बरसा रहता सुखल रहता तैयो गजने गजने कबू लोग सुख नहीं। देखिए मैडम जी और हैं, वो भी कहना चाहती है कुछ, साइड होइए, तो क्या कहना चाहते हैं बताइए। अच्छा डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिएगा तो फिर आप लोग को भी देखिए शर्मा रही है, क्योंकि समाज में है यहाँ, और ये गांव है, गांव में है कि इज्जत करते हैं आदमियों का, तो शर्मा रही है। और भी आदमी हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या क्या समस्या ज्यादा रहता है? यहाँ पूरा समस्या जारी है, इसलिए मुखिया जो भी सरपंच बना है, समिति उमिति, वो सब पक्ष पार्टी के प्लस खिलाफ करता है, जिसका आप समर्थन मैंने किया आपको, मेरे समर्थन हो गया, उसके सिवा आपने उसको पक्ष पार्टी के साथ घुमा के बात नहीं मानते हो, आपको वोट दिया जीत गया, आप बस अपना यश करता है कुर्सी बैठ के, अपना बो बेटे के चलाता है, बात खत्म है, यही बात चल रहा है, लेकिन गुमा नहीं देख रहा है पब्लिक, पब्लिक तो आपको सबको चुना है, इसलिए आपको नहीं चुनना चाहता है। तो पब्लिक जो चुना है तो पब्लिक के काम के लिए आते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं आता है, वोट मिल गया क्या आएगा, वो कुर्सी बैठ कर 1,00,000-1,00,000 का मजा मार रहा है, 2 बरस हार का ऐसे मजा मार रहा है, बात खत्म है। कभी मुखिया के पास गए समस्या? मुखिया के लिए क्या, मुखिया कहाँ पर, कितना दूर है, लेकिन बार बार जाते हैं, कुछ नहीं करके समस्या देता है। मुखिया पक्ष पार्टी में है, उसको पक्ष पार्टी का लाइट इतना लगा है, ब्लॉफ लगा है, पॉल चुन चुन का काम किया है, क्यों किया है उसने, क्यों किया है, इसको सवाल उठाइए, क्यों किया है, पॉल चुन चुन के दिया जहाँ जहाँ उसको मिला है वोट, पॉल के ऊपर पूरा लाइट को व्यवस्था है, लेकिन फिर भी पक्ष पार्टी को विकास दिया है, फिर भी नहीं दिया है उस लोग को, जहाँ जहाँ उसका व्यक्ति बोला उसको नहीं,
गरीबों का ना नहीं मान रहा, उस मुखिया का ये नीतीश सरकार कुछ दे रहा है, कुछ फंड दे रहा है, खुद खा जाता है, उसका पब्लिक खा रहा है, बाकी नहीं दे रहा किसी कुछ, मतलब खुद खा जा रहा है। हाँ, उसका जो जनता है जो चार पांच चमचा है वो खा रहा है, ऐसे बात होता है। देखिए बाहर मतलब समाज में नहीं आने देता, बिल्कुल नहीं आने देता, आता था ये कीचड़ आपको काहे दिखा देता है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मुखिया जी का नंबर है आप लोग के पास? नो, हम नंबर काहे रखेंगे। हाँ, आप लोग के पास लगाइए तो फोन। देखिए हम अभी मुखिया जी से बात करेंगे यहाँ पे, जो है यहाँ के जो समस्या है उसके बारे में। बोलिए तो नंबर, बोलिए तो। क्या वार सदा मुखिया? 70 45 20 4 5। ठीक है, क्या नाम है मुखिया जी का? नंदन। नंदन जी, नंदन यादव। देखिए हम अभी मुखिया जी से ऑनलाइन बात कर रहे हैं कि उसका क्या कहना है, यहाँ जो परेशानी है, जल जमाव की समस्या बनी रहती है, यहाँ के समाज के लिए क्या कहते। हेलो जी, नमस्कार, हम शंकर जी बोल रहे हैं। हम द वीजी 24 न्यूज से बात कर रहे हैं, ये वार्ड नंबर 7 8 9 10। यहाँ के जो समस्या है, जल जमाव की समस्या, काफी समस्या रहते हैं यहाँ के समाज में, तो आप यहाँ की समस्या के लिए क्या कहते हैं? नहीं सर, यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो समस्या है ज्यादा, अगर ये नाली को जो अगर सही कर दिया जाए तो हमको लगता है यहाँ पे हो गया है जी, क्योंकि नाली का जो समस्या है ना सर, टूटा हुआ है, लेकिन जब से बना है ये तब से कभी इसमें एक बार भी सफाई नहीं हुआ। अगर ये पूर्ण रूप से सफाई हो जाए तो हमको लगता है यहाँ की समस्या जो जल जमाव की समस्या है यहाँ के जी 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 नहीं होने वाला था, ग्रामीणों का कहना था इसको नया बनवाना पड़ेगा जी, और जो पीसीसी वाला होता है पक्की नाला जी वो बनेगा तब सक्सेस करेगा, क्योंकि एक नाली यही है चालू अवस्था में, नहीं तो सरकार का जो योजना है नाली वाला जी तो सारा जगह ऐसे ही बना दिया गया है, जो मिस यूज है, यूज नहीं होता है जी, इस नाला का यूज है जी जी, तो इसके लिए मेरे पास फंड नहीं था, कम था, जो कि 200 250 फीट बन सकता था जी, इसलिए इसको पूरा नहीं बनेगा तो एक बार में यहाँ से वहाँ तक बनाना होगा, अगस्त के लास्ट में फंड आ रहा है 15वें वीक में जी जी, इस नाले को यहाँ से वहाँ तक बनवाया जाएगा अगले महीने। तो मतलब आपका कहना है कि अगले महीने तक ये काम इसमें स्टार्ट हो जाना चाहिए? स्टार्ट हो जाएगा। सर आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं अभी, जो भी कमिटमेंट कीजिए वो बेहतर होना चाहिए और समाज के हित में काम हो रहा है सर। नाला का जो समस्या है ना जी, जी जटिल समस्या है जी, हम देख रहे हैं बहुत दिनों से जी, जी बिना बारिश का भी वहाँ पानी लगा रहा था जी, समस्या है वो बस वही फंड नहीं रहने के कारण जी, पूरा नहीं है 200 250 फीट तक के लिए फंड है हमारे पास जी जी जी, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं दूसरे जगह, इसलिए इसको हमको बनाना है जी। ठीक है, नहीं तो हमारे कहने की यही है सर कि यहाँ के जो समस्या देखा जाए मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ के यहाँ पे काफी परेशानी होता है, हम लोग तो कभी कभी आते हैं सर, इधर से निकल रहे थे तो देखे यहाँ पे काफी समस्या है, तो इसीलिए हम लोग चलिए। ठीक है, धन्यवाद सर इसके लिए, बात रखे अपना भी, और हम यही कहना चाहते हैं कि बेहतर हो यहाँ के, अगर समाज के लिए काम करे तो बेहतर होगा सर जी, जी बहुत जर्जर है। ठीक जी है? जी जी जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जी जी जी, महिषी के तारा स्थान को मचेश्वर धाम को जोड़ने वाली ये सड़क है जी, और इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए, लेकिन अब प्रशासन का ध्यान है न किसी भी नेता का ध्यान है, हम लोग कई बार पत्राचार भी किए, हम लिखवा के भी दिए डीएम साहब, इससे पहले का जो डीएम साहब थे वो आदेश भी दिए थे जी इसका टेंडर निकालने का जी जी, लेकिन अभी कहा तक हम मतलब एक महीना से पैर मेरा टूट गया है, इसी कारण उस मूवमेंट में हम नहीं है। जी चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा होगा तो इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी समस्या रहते हैं सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। ये अभी हम जो बातचीत किए, मुखिया जी थे यहाँ इस पंचायत के 7 8 और 9 10 में जो समस्या है यहाँ के, इस समस्या को लेकर हम बातचीत किए मुखिया जी से,
कि मुखिया जी अगस्त तक का समय लिए हैं, अगस्त तक कि लास्ट में इसका टेंडर आ जाएगा। नाली जो है नाला, क्योंकि रिपेयरिंग करने के बावजूद भी बताया कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये पीसीसी ढलाई वाला जो पक्की जो होता है नाली, वो यहाँ पे वो बनेगा, वो सक्सेसफुल है। ये जो अभी जो बना हुआ कच्चा नाली है, कच्ची नाली के रहने कारण ये पानी जमने लगती है। यहाँ देखिए समस्या को लेकर काफ़ी यहाँ पे जनता है, पब्लिक है, यहाँ के जो समस्या से जूझ रहे हैं, सभी जो है परेशान हैं। इस समस्या को लेकर हम जो आपको दिखाए ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं आप, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यहाँ की जो समस्या है, जो समस्या से जूझ रहे हैं आदमी, इसके लिए क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।